हेलो पिला माने, तुम्हें गणितर एम सी क्यू को नहीं चिंतित अच्छ कि अल्प समय मधे एम सी क्यू केमी सल्व कर तुम्हें व्यस्त हो पड़ुच कि परीक्षा पंचानबे शतकड़ अधिक नंबर आसब कि नहीं सन्देह अच्छ कि चलो आज आम वीडियो तुम्हें नहीं आस जो थे ये समस्त समस्या समाधान तुम्हें आम तुमको प्रति गणित मात्र 30 सेकेंड समाधान कर ट्रिक सब बतईदेबू। वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यटन देख प्रति प्रश्न आम कि नुआ नुआ तुमको तथ्य देवु जहाँ तुमको परीक्षा निश्चित रूपे गणित 95 शतकड़ अधिक नंबर रखे साय कर। चलो आम तुम्हें दशम श्रेणी एस वन रिच्छे इंपोर्टाट क्वेश्चन नहीं आसो सैंपल सेट्र आम पूर्व वीडियो एक रु 25 नंबर पर्यंत आलोचना कर सारी जदि तुम्हें देखिन तेल डिस्क्रिप्शन लिंक को जाए देखिपर। आज आम 26 नंबर आरंभ करवा चल पाने 26 नंबर प्रश्न कौन दे आम देखा ता पूर्व पाने तुम्हें तुम खाता और पेन बाहर कर रख गणित को सल्व कर फटाफट तार आंसर कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर। तेल चलो डेरी नक आम आरंभ करदे। प्रथम प्रश्न देला जे त्रिभुज ए बी सी रे ए बी देला पांच सेमी तो ये गोटे त्रिभुज दे त्रिभुज ना हूँ ए बी सी त्रिभुज तार ए बी दे पाँच बी सी दे सात सी दे नौ आ गोटे त्रिभुज देना ना हूँ पी क्यू आर पी क्यू आर परिसीमा से पचार पी क्यूरो दैर्घ्य के आम देखा त्रिभुज दुईट जेहतु ये सदृश अच्छे तेनाली आम जानते दुईट सदृश त्रिभुजर परिसीमार अनुपात जहाँ से मानक अनुरूप बाहू अनुपात ताब तो ये आम देखा जो अनुरूप बाहू ए बी अनुरूप बाहू कौटा हो पी क्यू हो परिसीमा कौन हम ना ए बी सी परिसीमा आम आने ए बी सी परिसीमा प्लस पी क्यूआर बै पी क्यूआर परिसीमा तो ए बी सी परिसीमा आम जानते तो ये आम देखा तो देखा आम ए बी मूल्य जानते ए बी हूँ पाँच पी क्यू आमको जाना ना ए बी सी परिसीमा तो आम तीन टा बाहू मिसाई देवा पाँच सत बार बार नौ एक बै पी क्यूआर तेसठी तो आपको आम कटाकटी कर दि तो कटाकटी कले के एक एक तीरिक तो गुणी दि क्रस गुणी दे पी क्यू इक्वल टू होगा 15 तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ये आंसर ऑप्शन ए होगा ये 15 पे बुझिपार कि असुविधा रहा आमको कमेंट बॉक्स में जनवा। परवर्ती प्रश्न आम देखा प्रश्न नंबर 27 आम देखा ये आमको देला जे एल वन एल टू एल थ्री तीन टा पैरेलल अच्छे ये क्यू आर हूँ 6 क्यू आर हूँ 6 आर एस दे 8 सीडी दे 6 ताले बी सी टी के पचार तो आम जानते जो दुईट तीनो समांतर सरल रेखा को जेहेतु दुईट छेदक छेद कर छेदित आंश गुड़िक सब सामानुपाती हे तो ये कौन हो ना छेदित आंश बी सी बै सी डी जहाँ हम क्यू आर बै आर एस ताब ते बी सी आमको जाना नहीं सी डी हूँ 6 क्यू आर हूँ 6 आर एस हूँ 8 तो आपको आम कटाकटी करदे दुई तीरिक दुई चौक ये आम काटे के आपको आम गुणी दि दुई दु गुणे दुई तीरिक तो बी सी इक्वल हो गला 9 बै दुई 9 बै दुई कह जहाँ 4.5 कह तेल ये आम ऑप्शन हो गला ऑप्शन डी हो गला ये आमर आंसर। पाने तुमर के आसला आंसर आमको कमेंट बक्स में जनवा। परवर्ती प्रश्न आम देखा प्रश्न नंबर 28 को जी आम प्रश्न नंबर 28 ये देखा देला जे दत्त चित्र रे बीपी एंगल ए बी सी समद्विखंड आम देखिले ये बी समद्विखंड हूँ बीपी एटी ए बी दे 12 बी सी दे 9 एपी दे 8 ताल ए सी टी के आमको सी पचारे तो ये आम देखा आम पढ़ुले आम उपाद्य तीन जदि गोटे कोण समद्विखंड तार सम्मुखीन बाहु को जो दुई अंश विभक्त कर से अनुपात दशलग्न बाहु बाहु दुईर अनुपात संगे सामान है तो ये आम देखा जे ए बी बै बी सी जहाँ हम एपी बै पी सी ताब तर आमको ए बी दे के 12 बी सी दे 9 एपी दे 8 पी सी आमको जाना ना तो आम कौन करने तीन तीरिक 9 तीन चौक 12 4 दुगुण 8 तो ये पी सी होगा आमर के 6 पी सी होगा 6 आमको कौन मागे सी पूरा एसी मागे तेल 8 प्लस 6 कर दि ए सी इक्वल टू 8 प्लस 6 के 14 ये आम आंसर होगा ऑप्शन सी होगा ये आंसर 14 होगा ऑप्शन सी।
ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଫଟାଫଟ ଜଣାଇ ଦେବା ଫଟାଫଟ ଜଣାଇ ଦେବା ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29 ଦେଖିବା ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29 ଦେଲା କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଦେଲା 80 81 ଦେଲା 80 ଦେଇଛି କେ ଏଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କେ ଏମ୍ ଯାହା ଏଲ୍ ପି ଇଜ୍ ଟୁ ପି ଏମ୍ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ଉପପାଦ୍ୟ 3ର ପ୍ରମେୟ ବା ବିପରୀତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷରୁ ଅଙ୍କିତ ଏକ ରଶ୍ମି ଯଦି ବିପରୀତ ଭାଗକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଯେ କେଉଁଟା ନା ଏଲ୍ ପି ଆଉ ପି ଏମ୍ର ଅନୁପାତ ତାକୁ ଲାଗିଥିବା ବାହୁ ବା ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କେ ଏଲ୍ ଆଉ କେ ଏମ୍ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ରଶ୍ମିଟି ବା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କେ ପି ରଶ୍ମିଟି ଏ କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂରା କୋଣଟି ଅଛି ଅଶୀ ଆମର ଯଦି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ତାହେଲେ ହୋଇଯିବ କେତେ ଲେଖାଏଁ 40 ଲେଖାଏଁ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ ବି ହୋଇଯିବ ଏଠି 40 ହୋଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30 ଦୁଇଟି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଧରିନି ଏଠି ଦୁଇଟି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସେ ଆମକୁ କହୁଛି କେତେ ନା 9:16 ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିଲା ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଏତିକି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିଦ୍ୱର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ହେବ ତ ଏଠି ଅନୁରୂପ ବାହୁ କେଉଁଟା ଆମେ ନେଇଯିବା ଧରିଣି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିଛି BC ବାଇ QR ହୋଇଗଲା ଭୂମି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିର ଅନୁପାତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ କି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିର ବର୍ଗାନୁପାତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏଠି ହେଇଯିବ 9:16 ତ ସ୍କୋୟାର ଆମେ ସେପଟେ ନେଇଯିବା ତ BC = BC/QR √16 √9/16 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 9 ରୁଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3/4 ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଇଗଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଲା ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର 3:4 ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଲା ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31 ଦଶ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ସି କୋଣଟି ଦେଇଥିଲା 90 ଏ ପୁରା କୋଣଟା ଦେଲା 90 ବି ଡି ଲମ୍ବ ଏ ସି ବି ଡିଟା ଏ ସି ସହିତ ଲମ୍ବ ଅଛି ସି ଡି ଦେଇଦେଇଛି 9 ଏ ଡି ଦେଇଦେଇଛି 7 ତ ବି ସି କେତେ ପଚାରିଛି ତ ଆମେ ଏଠି ସୂତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ବିସିର ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିସିର ସୂତ୍ର ହେଇଯିବ ଯେ ବିସିର ସ୍କୋୟାର =, ଏଠି ହେଇଯିବ ଆମର CD * AC CD * AC ତ BC = √ ସେପଟେ ନେଇଯିବା CD * AC ସିଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଆମେ ସିଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇ ନେବା CD ହେଉଛି ଆମର ଏଠି 9 AC କହିଲେ ପୁରା ବାହୁଡ଼ା 9 7 ହେଇଗଲା ଆମର 16 ତ 9ର √ ହେଇଯିବ 3 16ର 4 ତାହେଲେ 4 * 3 କେତେ ହେଇଗଲା 12 ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଆମର ଯଦି ବିସିର ସ୍କୋୟାର ହେବ ତାହେଲେ ବିସିର ସ୍କୋୟାର କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିସିର ସ୍କୋୟାର କଲେ CD * AD BCକୁ ଲାଗିଥିବା ଅଧାଟା CD ପୁରାଟା ହେଉଛି AD ହେଇଯିବ ତାହେଲେ BC = କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା 9 * 16 ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 12 ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32 ଦେଖିବା ଏଠି ଥିଲା ତ୍ରିଭୁଜ ABCDE ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ଆମର DEF ତ୍ରିଭୁଜ ତ ସେ କହୁଛି ଏ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଯାହା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଡି ତାହା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଯାହା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ତାହା ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ଲେଖେ କ'ଣ ସମାନ ହେବାରୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି କୋକ ସଦୃଶ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଙ୍ଗେଲ୍ AB ଦେଇଛି 3 BC ଦେଇଛି 7 DE ଦେଇଛି 6 ତାହେଲେ EFT କେତେ ମାଗିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି ହେବ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆର AB ସହିତ ତାହେଲେ DE ହେବ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ସେଭଳି BC ସହିତ ER ହେବ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ତ ଆମେ ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ନେଇଯିବା AB ହେଇଯିବ 3 DE ହେଇଯିବ 6 BC ହେଇଯିବ 7 ER ହେଇଯିବ ER ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କାଟି ନେବୁ 3 1 3 2 ତ ଏଠି ଆମର ER ହେଇଗଲା କେତେ ନା 3 2 × 7 14 ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ଆସିଲା ତୁମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଫଟାଫଟ ଜଣାଇଦେବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33 ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଏକ ଜିଆ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସମକୋଣ ତିଆରି କରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ତା'ର ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଆ ଜିଆ ହେଉଛି ମନେକର AB ଜିଆଟି ମନେକର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ମନେକର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତିଆରି କରୁଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଭାଉ ସମାନ ହେଲା ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସମକୋଣ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ତ ଏହାର ଜିଆ ଦେଇଛି 7 ତା ଅର୍ଥ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା 7 ଜିଆ 7 ଅର୍ଥ ଏଠି ସମବାହୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ ଦରକାର ନା ବାହୁ ଦରକାର ବାହୁର ସୂତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ 2 କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏଠି କେତେ AB / √2 ଏବେ ଦେଇଛି ଆମର
सात बै रुट टू रुट टू आम तले रखाने तेणु रुट टू रुट टू गुणी देखा होगा के सात रुट टू बै दुई ताक दशमिक करदे ये होगा तीन दशमिक पाँच रुट टू कमन कमन अच्छी कौटा देखा आम ऑप्शन कौटा होमर ऑप्शन बी वेरी गुड कमेंट करदे अन्य मैंने आसला तीन दशमिक पाँच रुट टू आसला पे बुझीपारे प्रश्नटे प्रश्न नंबर चौतीस जी गोटे सुषम षडभुज प्रत्येक बाहू ये गोटे सुषम षडभुज अच्छे षडभुज कहे आम जानूँ केतटा बाहू रही छटा बाहू रही सुषम षडभुजर प्रत्येक बाहू तार सामान रबुटा बाहू कौन थी सामान थी सी कहे यार यार परिवृतर परिधिठार अंकन करता कोणर परिमाण के आम देखा जितेबाला ये गोटे आम अंकन करवा सुषम षडभुजर अंकन करवा तो ये आम देख तार प्रत्येक कोण होते डिग्री ना ए कोणटे हो षाठी तेल आम देखिले सी कहे जियाटी जो जियाटी आम धरने ये गोटे जिया है ए भी गोटे जिया यार परिवृतर केन्द्र ठार कहला यार परिधि ठारे परिवृतर परिधि ठारे अर्थात कोणटे धरने तो आम ये गोटे कोण अंकन कले तेल ए कोणटा सी के करेंगे आम जानते ये जब षाठी है ये कोणटे के तार अधा होरीश होगा कहीं ये केन्द्रस्थ कौन ये विपरीत चापर अंतलिखित कौन ये तार अधा होगा ये षाठी है ये आम तीस तो आम देखा जी पूराटा जेहतु तीन सौ षाठी तीन सौ षाठी बै छः करदे सी पलि आसा के षाठी तो ये कोणटा जेहतु षाठी है ये तार तीस डिग्री कोण अंकन कर बुझिपारे पे मैंने नेक्स्ट प्रश्न को जी प्रश्न नंबर पैंतीस देखा जीतला ये एंगल ए एई डी दे सतुरी अर्थात एई डी चापटी केन्द्र सतुरी डिग्री कोण तैयारी कला तो सी ए बी केमको पचारा सी ए बी कोणटा के पचारा आम देखा जीटा रेखा जेहतु छेद कला ये कोणटे सतुरी हेल्ला एपट कोणटे सतुरी हे प्रतिपकोण हेतु प्रतिपकोण हेतु सामान है देखिले ये है बी सी चापर ये है केन्द्रस्थ कोण ये तार विपरीत चापर अंतलिखित कोण तेणु सतुरी ये कौन अधा हो तेणु एंगल ये सी ए विटा के सी ए बी कौन ना एंगल सी ओ बी अधा हो हाफ इंटु सतुरी सतुरी अधा होगा के पैंतीस ऑप्शन होगा ये आम बी होगा ये आम उत्तर ऑप्शन बी होगा उत्तर नेक्स्ट जी आम प्रश्न नंबर छत्तीस जी पे मैंने प्रश्न नंबर छत्तीस जे एक्स बीटा एक्स बी चापटा पंसठी अर्थात एक्स बी चापटा केन्द्र तैयारी करुच्चे पंसठ बी वाई सी बी वाई बी वाई सी तैयारी करुच्चे शहे पैंतीस तेल आम जानते ये तीन टा जाक कौन मिसले हम तीन सौ षाठी हे ये पैंतीस पंसठ पलैला आम पैंतीस पंसठ हो गला दुईश तीन सौ षाठी दुईश पलैला पर आ रहा आम के आमर ना ये रहा शहे षाठी ये रहा आमर शहे षाठी रहीगला यहाँ ये कोण जब शहे षाठी हे तो ये कोणटे के पचारे ए बी ए सी के हम जब आम जानते ये जब शहे षाठी है ये तार अधा हे शहे षाठी अधा के ए बी सी डा होते हाफ अफ एंगल ए ओ सी तो हाफ अफ शहे षाठी शहे षाठी अधा के पाने अशी होगा तो ये ऑप्शन होगा आंसर सी होगा आंसर प्रश्न नंबर सतैश देखा गोटे रेखाखंड सर्वाधिक कतोटी वृत्तर व्यासार्ध हो पारे आम देखिए गोटे रेखाखंड अच्छी मन कर ए बी तेल ये कतोटी वृत्तर व्यासार्ध हो पारे आम एम जब काटा तो ये देखा कौन हम ये गोटे वृत्त हो पार एपटे काटे ये गोटे वृत्त हो पारे कतोटा वृत्तर व्यासार्ध हो पारा व्यासार्ध हो पार मात्र दुईटी जदि गोटे रेखाखंड कतोटी वृत्तर जिया कही था तेल सी असंख्य होता कितु कतोटी वृत्तर व्यासार्ध कले मात्र दुईट वृत्तर हम व्यासार्ध सी हो पार प्रश्न नंबर सतीस आम देखा ये आमको दे एम एंगल के के एम एल चाप के एम एल कौटा अच्छे आम देखा के एम एल ए चापटी अर्थात ए कोणटी आम केन्द्र या के दुई चाला आप जानते दुईश चालीसटा के आमर ये होगा शहे कोड़े पूरा आम जानते पूरा जेहतु तीन सौ षाठी हम ये शहे कोड़े दुईश चालीस कले ये रहा शहे कोड़े तेल से पचारा के एक्स एल के एक्स एल के कोणटी के तो आम जानते ये जो दुईश चालीस है ये तार अधा हो दुईश चालीस विपरीत चापर अंतलिखित कोण आम देखे गोटे चाप्र डिग्री परिमाप तार विपरीत चापर अंतलिखित कोण डिग्री परिमाप अंतलिखित कोण अधा हो ये दुईश चालीस है ये तार अधा हो दुईश चालीस अधा के शहे कोड़े हो कोणटे होमर के शहे कोड़े होन्सर आंसर होगा ऑप्शन बी होगा ये आम आंसर प्रश्न नंबर अड़तीस देखा गोटे वृत्तर एक चाप्र डिग्री परिमाप नबे गोटे वृत्त अच्छे वृत्तर एक चाप्र डिग्री परिमाप नबे वृत्त सह संपृक्त चाप धरणीय ये चाप्टी अच्छी चाप्र डिग्री परिमाप नबे ए कोणटी हो नबे
जे आर डी दे सात रु टू दे आम पचार्यास के तो प्रथम आम ओ ए आने बाहर जेहतु यहाँ गोटे समकोणी त्रिभुज है समकोणी पुणे समद्विबाहु है तेणु कौन हो कर्ण बै रुट टू सात रु टू टू बै रुट टू तो रुट टू कटिगला सात आसला ओ एटा हूँ व्यासार्थ व्यासार्थ आसला सात तेल व्यास तार दुई गुण हो तो सात रु दुई गुण के चौदह आंसर होटा पे फटाफट कमेंट बक्स कहीदे उत्तर ऑप्शन सी चौदह हो उत्तर प्रश्न नंबर चालीस देखा आम पे बुझीपुरुँच किसी समाधान समस्या रही आमको निश्चित रूप जन भिडटे जेहेतु देखुं एत भल पाइबार सहित दयाक हृदय गोटे लाइक टे करदे जदि प्रथम थर चेल अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करदे जब सब्सक्राइब कर सारी तेल बेल नोटिफिकेशन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर करदे तो पे प्रश्न नंबर चालीस देखिए ये देखा पीएक्सक्यू दे पीएक्सक्यू चापटे केन्द्र या पंचाशी एक कोणटे होगा पंचाशी सेमती क्यू वाई आर दे पंचानबे एक कोणटे होगा पंचानबे आम देखिए पूरा होगा तीन सौ षाठी ये पंचाशी पंचानबे होगा के शहे अशी तो तीन सौ षाठी शहे अशी गला आ बढ़ला शहे अशी ये भी होगा शहे अशी पचारे एंगल पी क्यू आर के पचारे एंगल पी क्यू आर के एंगल पी क्यू आर ए कोणटे के जानते आम ए कोणर विपरीत गोटे चाप्र ये डिग्री परिमाप ये तार विपरीत चाप्र अंतलिखित कोण तो निश्चित रूप आर ये अधा हो जब शहे अशी है तेल पी क्यू आर टी के ना हाफ अफ शहे अशी शहे अशी अधा शहे अशी अधा के नबे आंसर ए हो उत्तर हो नबे प्रश्न नंबर एकचाश फटाफट देखे पे नेक्स्ट प्रश्न टी कौन अच्छे एकचाश नंबर देखा गोटे वृत्तर एक चाप्र डिग्री परिमाप नबे उक्त चाप सह संपुक्त जिया व्यासर अनुपात के गोटे वृत्त देला से कहे गोटे जे आ अच्छे धरणीय जे डी ए बी है केन्द्र है ओ सी कहला कौन ना डिग्री परिमाप षाठी ये जो चाप्र ए बी चाप्र डिग्री परिमाप षाठी अर्थात ये षाठी डिग्री कोण या तो आम देखा ये कौन ना जेहतु ये व्यासार्ध दुईटा सामान हम तेणु ए दुईटा कोण सामान हम तो आम जानते तीन टी कोण जाक तीनोटी जाक कोण मिसले हम शहे अशी ये होगा षाठी आ बढ़ला शहे कोड़े तेल ये कोणटे होगा षाठी ए कोणटे होगा षाठी तेल यह समबाहु त्रिभुज होगा से कहला जेआर दर्घ्य व्यासार्ध अनुपात जेहतु यहाँ समबाहु त्रिभुज होगा जिया कहले कौटा ए बी हूँ जिया व्यासार्ध हूँ कौटा ओ ए तो दुईटा जाक देखो समबाहु त्रिभुज कटिगला अनुपात के आसला एक इस टू एक आंसर होगा ऑप्शन बी होगा पे फटाफट कहीदे आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट प्रश्न जावा दत्त चित्र दे ए बी टी वृत्त टी है स्पर्शक टी बिंदु स्पर्शक अच्छी ए एक्स टी है षाठी अर्थात ये जब आम केन्द्र नेबा तेल ए एक्स टीटा ये केन्द्र से तैयारी करें षाठी तेल आम देखा जे पचारा ए बी टी के ए बी टी ए कोणटे के पचारा तो आम देखिए ये जब षाठी है गोटे चाप्र डिग्री परिमाप ये ये तार विपरीत चाप्र अंतलिखित कौन ये षाठी है तार अधा हे षाठी अधा के तीस ऑप्शन डी हो उत्तर बुझिपारे पे जेहतु ये कोणटी आम षाठी देखे जेहतु ए कोण डिग्री परिमाप षाठी है ये तार विपरीत चाप्र अंतलिखित कौन हो तेणु ये षाठी है ये तार अधा हो तीस तो प्रश्न नंबर तेयास आम देखा ये आमको देखा पी टी एक स्पर्शक पी ए आठ ए बी देती दस ताल पूरा टी होगा अठर तेरे पीटी के पचार आम जानते पीटर स्क्वयर इक्वल टू कौन हो ना पीटर स्क्वयर हो पीए इंटू पी बी तेल ये पीटी को पीटी रहा तो स्क्वयर सेपटे जा रुट ओवर पीए हूँ के आठ पी बी हूँ केमर पूरा आठ अठर तो गुण दि आठ अठर जब आम गुण देगा आम ये शहे चौरास रुट ओवर शहे चौरास होगा बार तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए पे ठीक अच्छे फटाफट उत्तर करदे कमेंट बक्स में प्रश्न नंबर चौवालीस जी चौवालीस प्रश्न ये आमको देला के प्रश्न दे प्रश्न टी आम बड़ कर देखने तो ये आम देला ये तो स्पर्शक अच्छी देला ए सी बी ए कोणटी देदेला आम शहे दस तो पचारि सी ए बी कोणटी के आम देखा जदि ए कोणटी होगा आमर केहे दस हो गला तेल ए कोणटी होमर के ना पूरा कोणटा शहे अशी तेल ए कोणटी होगा सतुरी जदि आपको आपको आम जोड़ीदे ये दुटा बाहू सामान तेणु ये सतुरी हेल्ले ये भी सतुरी जेहतु यहाँ स्पर्शक अच्छी स्पर्शक थे पूरा कोणटी हो नबे जदि ये पड़ेगा आम सतुरी एंगेल ए ओ सी पड़ेगा सतुरी तेल ए सी बी के बढ़े पूरा जेहतु नबे नबे सतुरी गले ये रहा कोड़े तेल ये सतुरी ये नबे पूरा सतुरी कोड़े पूरा होगा नबे जेहतु ये दुटा बाहू सामान तेणु ये सतुरी ये भी सतुरी है ये जेहतु शहे दस दे सतुरी ये सतुरी हेरू ये भी सतुरी है पूरा टी नबे सतुरी पड़ेगा पर कोड़े ऑप्शन बी होगा ये आम आंसर बुझिपारे पे ना पुणी थर कहीदेवि देखने आउ थ देखीदे टी बड़ करके ना ये आमको देखिए एक कोणटी दे शहे दस दे तो आम जानते पूरा टी हम शहे अशी तेणु ये सतुरी तो आपको आपको जब आम छुड़ीदे दुईटी है व्यासार्ध तेणु ये भी होते सतुरी
যেহেতু এটা ব্যাসার্ধ স্পর্শক বিন্দু কটা হয়েছে তেমন এই পুরোটি হয়েছে 90, পুরোটি যেহেতু 90 ইয়ে হয়েগলা 70, তাহলে আপনি বললে কেটে 20 বুঝিপারলে এথর পিলামানে। নেক্সট প্রশ্নকু যা, প্রশ্ন নম্বর 45 দেখিবা। প্রশ্ন নম্বর 45 কোন দেলা, গোটে বহিঃস্থ বিন্দু পি অছে, পি রু দুইটি আমার ছেদক অঙ্কন করা হয়েছে, ছেদক গুড়া দৈর্ঘ্য আমাকে দিয়ে দিয়েছি, দেখ পি এ দিয়ে দিয়েছি 10, পি বি পুরোটি দিয়ে দিয়েছি 16, পিডি দিয়ে দিয়েছি, পিডি মানে পুরোটি দিয়ে দিয়েছি 20, তাহলে সিডি কেতে পচারিছি। তো এটি আমার গোটে ট্রিক লা, সূত্র লা আমি জাঁচ না কোন সূত্রটি, না পি এ ইন্টু পি বি ইকুয়াল টু পি সি ইন্টু পিডি হয়ে যাব। তো এটি আমি দেখি পি এ আমাকে কেতে দিয়েছি, পি এ দিয়েছি 10, পি বি দিয়েছি 16, পি সি আমাকে পিসি দেয়নি, পিসি দরকার আমাকে, তো আমাকে পিডি দিয়ে দিয়েছি 20। তো কাটি দিও শূন্যকু শূন্য কটিগলা, তো 2 1 2 অশ্নে, তো পিসি হয়ে গেল কেতে, এটি আমার 8, পিসি হয়ে গেল 8, পুরোটি যদি 20 পিসি পড়েলা 8, ইয়ে রহিলা কেতে 12, অশ্ন হয়ে যাব ডি হয়ে যাব এটি উত্তর। বুঝিপারলে পিলা মানে ফটাফট আনসর করেদারে। নেক্সট প্রশ্নক যা, প্রশ্ন নম্বর 46 দেখিবা। এটি এটি দেলা যে এক্স একু স্পর্শক দেলা এ বিন্দুরে, এ বি ইকুয়াল টু এসি দিয়ে দিয়েছে আমাকে, ওয়াই এ সিটা দিয়েছে 65, ওয়াই এ সি এ কোণটি দিয়ে দিয়েছে আমাকে কেতে 65। তো আমি দেখিবা যে গোটে স্পর্শক বিন্দুরে যদি যে গোটে জ্যা অঙ্কন করিবা, জ্যাটি স্পর্শক সহিত যে কোণ তৈরি করিবা তার বিপরীত চাপর অন্তলিখিত কোণটি এ কোণটি মধ্যে সমান হব, যেহেতু এ কোণটি 65 এ কোণ হয়ে 65, যেহেতু আমি পুনে দেখলি এ দুইটি ভাই সমান অছি, বি কোণটি 65 হলে সি কোণটি বি কেতে হয়ে যাব 65, তাহলে আমি দেখলি বি সি হয়ে গেল 65, তাহলে ত্রিভুজের এ বি সি ত্রিভুজের বি পড়েলা 65, সি হয়ে গেল 65, তো 65 65 হয়ে গেল কেতে আমার 130, তো 180 30 ফেড দেলে রহিল 50, তাহলে এ কোণটা কেতে হয়ে না 50 হয়ে যাব, আনসর হয়ে যাব অপশন এ হয়ে যাব এটি উত্তর। বুঝিপারলে পিলা মানে কমেন্ট বক্সরে কহিবা, নচেত মু পুনি থরে বুঝাই দেবে। প্রশ্ন নম্বর 47 আমি দেখিবা, এটি দেলা দত্তচিত্র পি এ স্পর্শক, পি এ পি বি দুটি স্পর্শক, তো এটি এ কোণটি দিয়েছি 32 দিয়েছি, তাহলে আমি গেলে এ এক্স পি কেতে, তো আমি দেখিবা এটি যদি আমি কেন্দ্র কাটিবা ইয়ে হয়ে গেল ও, তো আমি দেখিবা এটি স্পর্শক হেতু এ হয়ে গেল 90, বি হয়ে গেল 90, তো বর্তমান ও এ পি বি গোটে কোণ হয়ে যাব, না ও এ পি বি গোটে চতুর্ভুজ হয়ে যাব, তেমন যেহেতু এ ও বি 90 পড়েলা, পি ও মিশলে বি 90 হব, যদি পি কোণটি পড়েলা 32, তাহলে ও কোণটি কেতে হব আমার, না 180 মাইনাস 32, 180 32 ফেড দিও, 180 32 কলে আমার রহিল 148, তাহলে ইয়ে হয়ে যাব কেতে 148, অপশন এ হয়ে যাব এটি উত্তর। প্রশ্ন নম্বর 48 দেখিবা আমি, যেটি যেহেতু এটা গোটে স্পর্শক তেমন টি কোণটি হয়ে যাবে আমার কেতে 90, সে দিয়েছি স্পর্শক হেতু পচারা টি ও পি এ কোণটি আি কোণটি, আমি দেখলে ত্রিভুজের তিন কোণ মিশলে 180 হব, যদি টি কোণটি 90 পড়েলা তাহলে ও আ পি মিশলে আউ কেতে রহব আউ 90 হয়ে যাব, তাহলে অপশন বি হয়ে যাব। পিলা মানে চকলেট প্রশ্ন না, ভেরি গুড, কমেন্ট বক্সে ফটাফট উত্তর করেদেবা। নেক্সট প্রশ্নক যা, পুণে চকলেট প্রশ্নটি তোমাকে নিয়ে আসলো শেষে, দুটি বহিঃস্পর্শী বৃত্ত, দুইটি বৃত্ত পরস্পরক বাইরে স্পর্শ করছেন, এমানের তির্যক সাধারণ স্পর্শক কেতে হব, তির্যক সাধারণ স্পর্শক পিলা মানে কমেন্ট বক্সে ফটাফট কবা, চকলেট প্রশ্ন কেতে হয়ে যাব গোটিয়ে, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড। লাস্ট প্রশ্ন, লাস্ট প্রশ্ন, প্রশ্ন সরিগলা, গোটে বৃত্তর ব্যাসার্ধ 8 সেমি, গোটে বৃত্ত অছি তার ব্যাসার্ধ 8 সেমি, তার দুইটি সমান্তর স্পর্শক এমতি অছি, ধরে নিয়ে দুইটি এমতি সমান্তর স্পর্শক অছি, ব্যাসার্ধটা 8, ইয়ে হয়ে গেল 8, ইয়ে বি হয়ে গেল 8, তাহলে এমানক ভিতরে কেতে হয়ে গেল দূরতা 16 সেমি হয়ে গেল, তাহলে আনসর হয়ে গেল অপশন ডি। ফটাফট না পিলা মানে, ভিডিওটি কেমিতি লাগিলা নিশ্চিতরূপে আমাকে কমেন্ট বক্সরে জনাইবা, হৃদয়র সহ গোটে লাইক করেদেবা, যদি চ্যানেলে প্রথম থর অনেক চ্যানেলটিকে নিশ্চিত রূপে সবসক্রাইব করেদেবা, সাংমানক সেয়ার করা জমার ভুলবেনি, এভাবে অনেক শিক্ষণীয় ভিডিও আমার চ্যানেল ডেসক্রিপশনে দিয়ে যাই, এমনি আমার চ্যানেল সহ যোড়ি হয়ে রু, আমি তোমাকে অনেক শিক্ষণীয় ভিডিও নিয়ে আসবো, যা তোমাকে পরীক্ষায় নিশ্চিত রূপে 90 শতকরা অধিক নম্বর রাখবেন সাহায্য করব, তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি করব, আমার চ্যানেলের গোটি মাত্র লক্ষ্য, আমার চ্যানেল সহ যোড়ি হয়ে রু, ভিডিওটি আরম্ভ শেষ পর্যন্ত দেখিবার অনেক অনেক ধন্যবাদ।